आज हम सीखेंगे क्या होते हैं वर्ब्स। वर्ब्स को कहा जाता है एक्शन वर्ड्स। वर्ब्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एक्शन बताते हैं। एक्शन मतलब आप जो भी कर रहे हो, सिट, स्टैंड, रन, वॉक, ड्रॉ, पेंट, जो भी आप एक्शन कर रहे हैं उसको हम वर्ब कहते हैं। हमने सीखा था प्रोनाउन क्या होते हैं। मैं अपने आप को आई कहूंगी, आपको यू कहा जाता है, और किसी और की जब हम बात करते हैं तो हम उन्हें ही फॉर बॉय, शी फॉर गर्ल एंड इट फॉर अ थिंग कहा जाता है। अब हम देखेंगे कि वर्ब को मेरे बारे में, आपके बारे में या किसी और के बारे में कहते हुए कैसे यूज करते हैं। इसके लिए हम यूज करेंगे एक्शन वर्ड रन, माने दौड़ना। जब मैं अपनी बात करती हूँ, आई रन, मैं दौड़ती हूँ या मैं दौड़ता हूँ, आई रन, इसमें वर्ब जैसा है वैसा ही लिखा जाएगा। अगर वर्ब है रन तो वो रन ही लिखा जाएगा। जब हम बात करते हैं तुम्हारी, यू, तुम दौड़ते हो या तुम दौड़ती हो, तो हम यूज करेंगे फिर से रन। यू रन, तुम दौड़ते हो, तुम दौड़ती हो, ये भी वर्ब बिल्कुल जैसा है वैसा ही यूज होगा। लेकिन जब हम बात करते हैं किसी तीसरे की, तब हम यूज करेंगे runs, he runs, she runs, it runs। अगर हम ये रूल याद रख ले तो हम किसी भी वर्ब को मैं, तुम या उसके बारे में बात करते हैं पर यूज कर सकते हैं। चलो देखते हैं। यहाँ वर्ब है sit, माने बैठना। I sit, you sit, he sits, she sits, it sits। वैसे ही वर्ब है प्ले, खेलना। I play, you play, he plays, she plays, it plays। जब हमारे पास कोई ऐसा वर्ब होता है जो एंड होता है एक वॉवल से, ए, ई, आई, ओ या यू से एंड होने वाला जो वर्ब होता है, उसको हम कैसे लिखते हैं देखते हैं। ये है गो, माने जाना, और ये है डू, माने करना। हम यूज़ करेंगे गो को, क्योंकि यहाँ पे एक वॉवल लेटर है। जब इसे हम एस लगाएंगे जैसे गोज, तो हम साथ में एक ई भी लगाएंगे, गोज। तो ये बन जाता है आई गो, यू गो, ही गोज, शी गोज, इट गोज। सिमिलरली आई डू, यू डू, ही does, she does, it does। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए। बाय बाय। सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले।